भारत की एक और बेटी ने रचा इतिहास। सुरबाला लैश्रम देवी ने एमएमए विश्व प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। एक बार फिर भारत की एक और बेटी ने गर्व से भारत का सर विश्व भर में ऊंचा कर दिया है। मणिपुर, जिसे खेल के मामले में भारत का पावर हाउस कहा जाता है, यहाँ की थौबल जिला की निवासी सुरबाला लैश्रम देवी ने एक इतिहास रच दिया है। मणिपुर की एक उभरती हुई मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की महिला स्टार फाइटर सुरबाला लैश्रम देवी ने एम्स्टर्डम में आयोजित ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स विश्व प्रतियोगिता 2021 में हिस्सा लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और साथ ही बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सुरबाला लैश्रम देवी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बन गई है। गौरतलब है कि सुरबाला लैश्रम देवी ने इस ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स विश्व प्रतियोगिता 2021 में अपनी प्रतिद्वंदी कजाकिस्तान की टोमिरिस जुसुपोवा को 115 LBA स्ट्राइकिंग मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के अंतिम प्रतियोगिता में हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने में सक्षम हुई है। मणिपुर निवासी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की महिला स्टार फाइटर सुरबाला लैश्रम देवी को सन 2019 में घुटने में चोट लगी थी, जिस वजह से वह लंबे समय तक कोई मैच नहीं खेल पाई थी। लेकिन उनके पूरी तरह ठीक होने के बाद उनका यह पहला मैच था जिसमें उन्होंने अपनी शानदार प्रदर्शन से पूरे विश्व का दिल जीत लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 23 से 27 मार्च तक आयोजित ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स विश्व प्रतियोगिता 2021 में भारत से कुल मिलाकर 33 फाइटरों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत को 11 पदक मिले। इसलिए शायद कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम व्यू।